किरण और देवेंद्र खेल रहे हैं और अच्छा लगता है दोस्तों। कभी कभी हम भी ऐसे। हेलो दोस्तों, आप सभी का हर ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारा जो गुंडरी कहते हैं हिंदी में उसको बटर कहते होंगे दोस्तों, जो बटर का पांदा और हमारा जंगली मुर्गी का पांदा हम कैसे बनाते हैं दोस्तों वो आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। ये हमारा घर है दोस्तों, ये हमारा घर दिखिए दोस्तों, ये हमारा घर है और मैं थोड़ा ऊपर हूँ दोस्तों। और आप लोग को एक चीज़ दिखाने के लिए मैं चाहता हूँ दोस्तों, इसको हम चितकड़ी कहते हैं दोस्तों। आप क्या कहते हैं आप थोड़ा कमेंट करके बताना। इसको हम चितकड़ी कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताना दोस्तों। हम इसको चितकड़ी कहते हैं दोस्तों। हमारा एरिया में सबका बाड़ी में ऐसा चितकड़ी ऐसा मिल जाता है दोस्तों। ये थोड़ा बहुत मीठा होता है और थोड़ा खट्टा भी होता है दोस्तों। देखिए पच जाएगा तो बहुत मीठा होता है दोस्तों, और जो पचा नहीं होता थोड़ा वो खट्टा ही रहता है दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, इसको हम मंडिया उंडा कहते हैं। ये मंडिया से ही बना हुआ है दोस्तों, और इधर थोड़ा थोड़ा छापन भी पड़ा है। और ये इसको हम हेज कहते हैं दोस्तों, और देसिया भाषा में इसको पेज कहते हैं, और हमारा हज्जा भाषा में इसको हम हेज कहते हैं दोस्तों। ये भी मांडिया से ही बना है दोस्तों। ये हम ड्रिंक के तरह इस्तेमाल करता है दोस्तों, जो पानियों के तरह ही हमें इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इसको हम हेज कहते हैं। और ये है दोस्तों गाड़ साग, इसको हम जो मांडिया से ही बनाया हुआ है दोस्तों, ये गाड़ साग, इसको हम गाड़ साग राब कहते हैं दोस्तों। और ये मांडिया जो ये मांडिया अंडा है दोस्तों, इसको हम ऐसे सब्जी से ऐसे भिगा के ऐसे खाते हैं दोस्तों। हमारा जो पहले के लोग होते थे, हमारा जो दादा दादी माँ जो पहले के लोग होते हैं, ज़्यादातर इस तरह ही खाना ज़्यादा खाते थे दोस्तों। हम तो अभी चावल खाने की आदत हो चुकी है दोस्तों, हम ज़्यादा चावल खाते हैं। हमारा जो पहले के लोग मांडिया का अंडा ज़्यादा खाते थे और मांडिया का पेट ज़्यादा पीते थे दोस्तों, और इस तरह गाड़ का साग इस्तेमाल करते थे दोस्तों। अभी तो हम आदत हो चुका है हम लोग को चावल खाने का दोस्तों। अच्छा लगता है दोस्तों, कभी कभी हम भी ऐसे खाते हैं, पर हम हर बार चावल ही खाते हैं। तो कभी कभी ऐसे मंडिया अंडा मंडिया पेज भी खाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा देवेंद्र और किरण जो सॉक्स बॉल का टाइप का वो खेल रहे हैं दोस्तों, और हमारा चंपेश्वर जो गुंडरी का पांद और हमारा जंगली मुर्गी का पांद बना रहा है। कितना बनाया चंपेश्वर? ये बॉर्डर का पांद 12 बनाया है। देखिए दोस्तों, हमारा चंपेश्वर ने बॉर्डर का पांद 12 बनाया है और जंगली मुर्गी का 5 बनाया है। देखिए दोस्तों, ये जंगली मुर्गी का पांद भी चंपेश्वर ने बनाया दोस्तों, और कुछ बाकी है ना। देखिए दोस्तों, ये दौड़ी निकल रहा है दोस्तों, और अभी कुछ है। और ये हमारा जो छाते का नहीं होता, जो लोहे होते हैं, जो स्टिक होते हैं, वो को निकाल के वो बना रहा है दोस्तों। दिखाते हैं आपको तो कैसा वो दूध निकल रहा है दोस्तों। देखिए इस तरह, देखिए दोस्तों, ये आलू का बस्ता है दोस्तों, इधर से अच्छा दूध निकलता है दोस्तों। देखिए तो कैसे बनाते हैं आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए हमारा चंपे बहुत अच्छा बनाता है दोस्तों, मैं भी बना सकता हूँ पर इतना अच्छा नहीं बनाता हूँ, और चंपे बहुत अच्छा बनाता है। देखिए दोस्तों, इधर दो स्टिक लेना पड़ेगा ना चंपे सर, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा नहीं तो मुर्गी तोड़ के चला जाएगी ना, लूज होगा तो। देखिए दोस्तों, इस तरह इधर बनते हैं दोस्तों। और इसको थोड़ा बेंड करते हैं ना,
बेड कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम बेड कहते हैं, इसका हम कुजा कहते हैं ना। इस पास को हम कुजा पास कहते हैं दोस्तों, मतलब हम हमारा देसिया भाषा और हरजा भाषा में उसको तो हम फांदा कहते हैं, और हम इसको कुजा हांदा कहते हैं दोस्तों। इसको हम देखिए इस तरह, देखिए दोस्तों, और इसको लेकर इसी पर यहाँ पर देखिए दोस्तों किस तरह कर रहा है, अच्छे से ध्यान से देखिए। और ऊपर देखिए, कुजा बन गया है ना अभी। हाँ। अभी तो एक पास लगाना पड़ेगा इधर। हाँ। देखिए दोस्तों, कुजा बन गया है, पहले से बढ़ के रखा हुआ है दोस्तों। दौड़ी देखिए ये पास को, और अभी वो इधर लगा देगा। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये मुर्गी का फांदा है दोस्तों। देखिए इसको ऐसे करते हैं, देखिए हो गया। देखिए दोस्तों, ये भी हो गया, और एक कितना हुआ, 6-7 जंगली मुर्गी का फांदा बन गया है दोस्तों। देखिए, और अभी हम एक गुंडरी का जो बोटर का अब एक फांदा बनाएंगे दोस्तों। ये अभी चौंपे सर ने बोटर का फांदा बना रहा है दोस्तों। देखिए, हम इसको हमारा लोकल भाषा में हम इसको फांदा गुंडरी कहते हैं दोस्तों। गुंडरी फांदा कहते हैं इसको, कुजा हांदा ना। हाँ। इसका नाम कुजा है दोस्तों। देखिए ये बना रहा है, और सेम ही जंगली मुर्गी का तरह ही, पर ये थोड़ा छोटा होगा, और जो जंगली मुर्गी के लिए बड़ा बनाना पड़ेगा, ये गुंडरी के लिए छोटा बनाना पड़ता है। और देखिए दोस्तों, हमारा किरण और देवेंद्र खेल रहे हैं, और हमारा चंपे सर अकेला ही कर रहा है, और इन लोग बॉल खेल रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इन लोग बॉल खेल रहे हैं। देखिए दोस्तों, बोटर का फांदा बन चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बॉर्डर का पांदा हो गया है दोस्तों। इधर थोड़ा एक पास लगाने से ये परफेक्ट हो जाएगा ना। देखिए पास नहीं है, देखिए दोस्तों, एक पास अभी लगाना पड़ेगा इधर एक। देखिए, बोटर का पांदा भी बन गया है दोस्तों, और ये आप लोग को दिखाने के लिए ही हम बनाए हैं दोस्तों। अभी तो हम नहीं लगा रहे हैं, ख़त्म हो गया है ना सीजन। हाँ, अभी हम नहीं लगा रहे हैं दोस्तों। आजकल हमारा एरिया में जो धान की खेती बहुत चल रहा है दोस्तों, इस वजह से हम वीडियो में नहीं बना पा रहे हैं, और हम आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए ही ऐसे जो जंगली का पांदा, जंगली मुर्गी का पांदा, और हमारा जो बटर का पांदा बना रहे हैं दोस्तों, आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए है दोस्तों। और ये सब हम रख के रखेंगे दोस्तों, और अभी तो नहीं, अगली साल में हमको शायद काम देगा ना चंपे सर। हाँ,
देखिए दोस्तों, ये बटर का पांडा बन हो चुका है दोस्तों। और आप लोग तो हमारा वीडियो देखेंगे तो पता होगा दोस्तों, हम जंगल में लेके इधर ऐसे रखते हैं दोस्तों, इधर बटर जब आएगा इधर लग जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आप हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करो, और आप कुछ बताना चाहते हो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।